यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है, 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है, इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नहला देंगे आपको। यमुना बड़ी गंदी है, गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना, उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। अगले 5 साल ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे, मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर देंगे हम लोग। ये कोई पहाड़ों से निकलने वाली नदी नहीं है, बल्कि ये यमुना नदी है जो राजधानी दिल्ली में इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है कि झाग साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। कल इसी पानी में और आज भी इसी पानी में जो छठ व्रतियां हैं वो नहा रही थी, लेकिन ये पानी इतना ज्यादा गंदा और मैला और दूषित है कि यहाँ पर खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा है, मुश्किल है। और इसमें पूरा आप दूर दूर तक के नज़ारा देखिए, मानो कि बर्फ तैर रही हो पानी पर, लेकिन ना ये पहाड़ों का जैसा शुद्ध पानी है और ना ही ये बर्फ है, ये जहरीला फोम है और ये जहरीला झाग है जो अमोनिया बनने की वजह से, अमोनिया की मात्रा बढ़ने की वजह जैसे यहाँ पर बन गया है।